गुड इवनिंग फ्रेंड्स, एग्जाम शूटर नंबर 34। आज हम 34 एग्जाम शूटर करेंगे। 33 एग्जाम शूटर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। इन सब में हमने 30-30 एमसीक्यूज को डिस्कस किया था जनरल साइंस के। 34th एग्जाम शूटर में भी हम जो 30 ही एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे एज यूजुअल। इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, आपके वेरियस एग्जाम्स की अगर बात करें, एचपीएससी की, एचएसएससी की, एसएसएससी, वेरियस स्टेट लेवल, सेंटर लेवल एग्जाम, रेलवेज एग्जाम, तो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा ये सेशन भी एज वेल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस सेशन को। उससे पहले चलिए आपके लिए कुछ इन्फॉर्मेशन है। दैट इज, यू कैन रजिस्टर योर सेल्फ ऑन www.edulogieselearning.com फॉर योर फर्दर प्रिपरेशन। लाइक इफ यू वॉन्ट टू प्रिपेयर फॉर एनडीए, सीडीएस, एयर फोर्सेज, आर्मी, नेवी, सो यू कैन ज्वाइन अस। इफ यू रियली वॉन्ट टू प्रिपेयर फॉर बैंक, एसएससी, एचएसएससी, स्टेट लेवल एंड रेलवेज एग्जाम, तो आप खुद को रजिस्टर कर सकते हैं। ऑनलाइन क्लासेज जो है आपको यहाँ पर अवेलेबल होंगी, ठीक है, वेरियस सब्जेक्ट्स की। लाइव टेस्ट जो है वो भी होगा, बिल्कुल, यू कैन असेस योर सेल्फ थ्रू दीज टेस्ट, आप अपने आप को असेस कर सकते हैं। मॉक टेस्ट अवेलेबल होंगे, मॉक टेस्ट से भी आप जो अपने असेसमेंट कर सकते हैं। स्कोर अप मॉक टेस्ट होगा, दैट मीन्स आपको जो है स्कोर अवेलेबल हो जाएगा, जो भी आप अपने आप को असेसमेंट करेंगे तो आपको स्कोर जो है वहां पर बिल्कुल देखने को मिलेगा। डेली क्विज अपलोड होंगी, डेली एग्जाम शूटर भी जो है डिस्कस किए जाएंगे। वेरियस प्लान्स जो भी हैं आपको पता लग जाएगा। बाय बुक्स, आप जो है यहाँ से ई बुक भी बाय कर सकते हो, जो भी मटेरियल होगा आप पीडीएफ के फॉर्म में, ई बुक के फॉर्म में आप जो है वो यहाँ पे आपको अवेलेबल हो जाएगा, तो आप अपने आपको रजिस्टर कर सकते हैं। नेक्स्ट इज, अगर आप यूट्यूब से स्टडी करना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, दैट इज एडुलॉजिस ई लर्निंग, आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पे लाइव स्ट्रीमिंग जो है आपको वेरियस सब्जेक्ट्स की देखने को मिलेंगी। लाइक फॉर एग्जांपल, इफ यू टॉक अबाउट इंग्लिश, सो इंग्लिश बाय बलविंदर सर, बलविंदर डुल सर, ठीक है, ये आपको लाइव स्ट्रीमिंग इन सब्जेक्ट्स की क्लासेस देखने को मिलेंगी। बेसिक कैलकुलेशन मैथमेटिक्स रीजनिंग बाय राम मेहर सर, जनरल साइंस बाय मी, पॉलिटी एंड गवर्नेंस बाय मनीषा मैम, सो इस तरीके से आपको जो है वेरियस सब्जेक्ट्स की लाइव स्ट्रीमिंग क्लासेस देखने को मिलेंगी। तो यहाँ से आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यूट्यूब से, दैट इज एडुलॉजिस ई लर्निंग। नेक्स्ट, आप गूगल प्ले स्टोर से भी जो है एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, मोबाइल एप्लीकेशन है, दैट इज यू कैन डाउनलोड फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। हेयर व्हेन यू टाइप एडुलॉजिस ई लर्निंग, सो यू फाइंड एट नंबर फोर्थ, आप नंबर फोर्थ पे जो है एडुलॉजिस इंस्टीट्यूट की एप्लीकेशन देख सकते हैं। आप इसे यहाँ से जो है डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से। दिस इज अ मोबाइल एप्लीकेशन, ठीक है, यहाँ से जो है इस एप्लीकेशन के थ्रू आप अपनी स्टडी को हमारे साथ जो और ज्यादा बेटर बना सकते हैं। चलिए हम अपने इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है कि व्हाट गैलीलियो इन्वेंटेड, गैलीलियो ने जो है किसका आविष्कार किया था। देखिए, गैलीलियो जो है एक एस्ट्रोनॉमर थे, ठीक है, सबको पता है ये बात। गैलीलियो ने किस चीज का आविष्कार किया था अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन, पहले अगर ऑप्शन की बात करें तो बैरोमीटर है, दूसरा है पेंडुलम क्लॉक, तीसरा है माइक्रोस्कोप और चौथा है थर्मोमीटर। तो देखिए, अगर गैलीलियो की बात करी जाए, सो गैलीलियो ने हमें क्या बताया था, गैलीलियो इन्वेंटेड टेलीस्कोप, ठीक है, गैलीलियो ने टेलीस्कोप का इन्वेंट किया था, ठीक है। इसके साथ साथ गैलीलियो ने ये बताया था दैट जुपिटर के जो मून है, जो जुपिटर है, बृहस्पति है, उसके मून जो है, मतलब उसके जो सैटेलाइट है, चंद्रमा है, उनको जो है गैलीलियो ने डिस्कवर किया था। फॉर एग्जाम्पल, कैलिस्टो, गैनीमेडा, ठीक है, यूरोपा, यूरोपा जो है सबसे फेमस और सबसे बड़ा सैटेलाइट है जुपिटर का, तो दीज सैटेलाइट ऑफ जुपिटर डिस्कवर्ड बाय गैलीलियो। इसके साथ साथ अगर हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग बात करें, ये फेमस डिस्कवरी थी गैलीलियो की। इसके साथ साथ गैलीलियो ने 1593 में, 1593 में थर्मोमीटर का आविष्कार किया था। थर्मोमीटर का जो है गैलीलियो ने इन्वेंट किया था, अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन हम यहां पर बात कर रहे हैं, ठीक है, थर्मोमीटर का आविष्कार किया था इन्होंने। ये किस प्रिंसिपल पर बेस था, ये इस प्रिंसिपल पर बेस था, इन्होंने क्या देखा कि जो डेंसिटी है, जो घनत्व है, उसका टेम्परेचर के साथ में क्या रिलेशनशिप है, ठीक है। दैट मीन्स अगर टेम्परेचर पर कोई भी, अगर तापमान पर कोई भी इफेक्ट पड़ रहा है, तो उसके साथ साथ डेंसिटी किस तरीके से परिवर्तित हो रही है, डेंसिटी पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, घनत्व जो है उस पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो है गैलीलियो ने देखा। अब देखिए क्या होगा, जैसे ही हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, इफ वी रेज द टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर राइज कर रहा है, टेम्परेचर बढ़ेगा, तो इससे क्या होगा, जो डेंसिटी होगी, घनत्व जो होगा वो क्या होगा, कम होगा,
ठीक है, डेंसिटी कम होगी. अब हमें पता है कि डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन में वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम. डेंसिटी क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम, द्रव्यमान बटा आयतन, ये आपका घनत्व होता है. तो देखिए यहां से अगर डेंसिटी कम हो रही है, इसका सीधा सा मतलब क्या है कि वॉल्यूम इंक्रीज होगी, क्योंकि वॉल्यूम जो है इनवर्स रिलेशनशिप में है डेंसिटी के साथ. ठीक है, तो टेम्परेचर के बढ़ाने पर डेंसिटी कम होगी, इसका मतलब क्या हुआ, वॉल्यूम क्या होगी, इंक्रीज होगी. तो वॉल्यूम इंक्रीज हुई तो जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा, मतलब वॉल्यूम क्या हो जाएगी, इंक्रीज होगी, जिससे थर्मोमीटर में जो लिक्विड होगा वो राइज करेगा, जिससे आपको जो है पता लग जाएगा टेम्परेचर का. ठीक है, तो यहां से देखिए थर्मोमीटर इन्वेंट किया था गैलीलियो ने 1593 में. सो यहां से हमारा जो आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन डी. नेक्स्ट इज, व्हाट इज द नेम ऑफ द कैल्टेक सिस्मोलॉजिस्ट हु इन्वेंटेड द स्केल यूज्ड टू मेजर द मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक. यहां पर बात की जा रही है कि कैल्टेक भूकंप विज्ञानी, जिन्होंने भूकंप की मैग्नीट्यूड मापने के लिए किसी पैमाने का आविष्कार किया था, तो उनका नाम क्या है. ठीक है, मतलब उनका उसका परिमाप, ठीक है, कि कितना जो है उसका मैग्नीट्यूड रहेगा, कितना अमाउंट रहेगा, किसका, अर्थक्वेक का, भूकंप का. तो सबसे पहले है चार्ल्स रिक्टर, दूसरा है हिरेम वॉल्कर, गैसिपी मर्केली, या फिर यहोशु रंबल. ठीक है, तो देखिए अगर हम यहां पर बात करें तो मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक, अर्थक्वेक का जो मैग्नीट्यूड है, परिमाप है, उसे रिक्टर स्केल पर मापा जाता है. ठीक है, रिक्टर स्केल पर उसे मापा जाता है. साइंटिस्ट थे चार्ल्स रिक्टर, जिन्होंने डिस्कवर किया था इसको. तो ऑप्शन ए जो है हमारा यहाँ पर राइट आंसर रहेगा. लेकिन अगर उसके साथ साथ अगर आपसे बात की जाए इंटेंसिटी ऑफ लाइट, सॉरी इंटेंसिटी ऑफ, अगर यहाँ पे बात की जाए कि इंटेंसिटी मापी जाए, भूकंप की इंटेंसिटी मापी जाए, तीव्रता अगर मापी जाए, तो उसे मॉडिफाइड मर्केली स्केल पर मापा जाता है. उसे किस पर मापा जाएगा, मॉडिफाइड मर्केली स्केल. यहां पर मॉडिफाइड मर्केली स्केल होता है. ठीक है, मर्केली जो थे उन्होंने इसको डिस्कवर किया था, तो मॉडिफाइड मर्केली स्केल को मॉडिफाई किया गया. उस पे जो है हम इंटेंसिटी मापते हैं, तीव्रता मापते हैं भूकंप की. बात यहां पर हो रही थी कि मैग्नीट्यूड किस तरीके से मापा जाता है, मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक. तो आंसर रहेगा रिक्टर पैमाने पर उसे मापा जाता है, रिक्टर स्केल पर मापा जाता है. एंड रिक्टर स्केल इज इन्वेंटेड बाय द चार्ल्स रिक्टर, चार्ल्स रिक्टर ने इसको इन्वेंट किया था. तो ऑप्शन ए जो है हमारा यहाँ पे राइट आंसर रहेगा. नेक्स्ट इज, मोस्ट मॉडर्न टीवीज ड्रॉप पावर इवन इफ टर्न्ड ऑफ. द सर्किट इन विच द पावर इज यूज्ड, द यूज्ड वाज द फंक्शन. अधिकांश जो आधुनिक टेलीविजन है वो बंद करने के बाद भी विद्युत संचित रखते हैं, उनके अंदर इलेक्ट्रिसिटी जो है मतलब पावर जो है वो ड्रॉन करते हैं, पावर उनके पास होती है. यह सर्किट जिसमें विद्युत प्रयोग किया जाता है वह क्या क्या कार्य करता है. ठीक है, वो वाला सर्किट जिसमें इस इलेक्ट्रिसिटी का प्रयोग किया जाता है वो क्या काम करता है. पहला ऑप्शन है साउंड, वो ध्वनि उत्पन्न करने का काम करता है, साउंड जनरेट करता है. रिमोट कंट्रोल करता है, ठीक है, रिमोट कंट्रोल करता है. कलर बैलेंस, कलर को बैलेंस करता है, हाई वोल्टेज उच्च वोल्टेज. तो देखिए वो क्या काम करता है, वो रिमोट सेंसिंग का काम करता है. सो ऑप्शन बी जो है यहाँ पे हमारा राइट आंसर रहेगा. ठीक है, द सर्किट इन विच द पावर इज यूज वॉज फंक्शन एज द रिमोट कंट्रोल. ठीक है, तो वो रिमोट कंट्रोल की तरह काम करता है, जिसमें जो रिमोट कंट्रोल होगा टीवी का उसकी तरह वो काम करता है, रिमोट सेंसिंग के लिए, रिमोट कंट्रोलिंग के लिए वो काम करता है. सो ऑप्शन बी जो है यहां पे हमारा राइट आंसर रहेगा. नेक्स्ट इज, इफ अ बॉम्ब ड्रॉप फ्रॉम एन एरोप्लेन एक्सप्लोड्स इन मिड एयर. यदि एक हवाई जहाज से आप एक बम को फेंका जाता है, ठीक है, एक बॉम्ब को जो है फेंका जाता है, ड्रॉप किया जाता है, तो वो हवा में ही क्या हो जाता है, एक्सप्लोड हो जाता है, फट जाएगा. तो इस वजह से क्या होगा, पहला ऑप्शन है इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, इसकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी, इट्स टोटल एनर्जी इंक्रीजेज, इसकी कुल ऊर्जा बढ़ जाएगी. ठीक है, कुल ऊर्जा का यहां पर मतलब क्या है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी प्लस इसकी काइनेटिक एनर्जी. ठीक है, इसकी गतिज ऊर्जा और इसकी स्थिति ऊर्जा, गति की वजह से जो ऊर्जा होगी और स्थिति की वजह से जो ऊर्जा होगी, दैट इज नोन एज द टोटल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट. सो इट्स टोटल एनर्जी इंक्रीजेस, इट्स टोटल एनर्जी डिक्रीजेस, इसकी जो कुल ऊर्जा है वो कम हो जाएगी. इट्स मोमेंटम डिक्रीजेस, इसका जो संपूर्ण संवेग है मोमेंटम है. मोमेंटम इज द क्वांटिटी ऑफ मोशन. मोमेंटम को अगर हम सरल भाषा में जाने, सो दैट इज द क्वांटिटी ऑफ मोशन, कि कोई भी चीज कितनी गति में है, ठीक है, उस गति की मात्रा ही मोमेंटम कहलाती है. ठीक है, मोमेंटम इज द क्वांटिटी ऑफ मोशन. सो इसका जो मोमेंटम है बेसिकली वो कम हो जाएगा. ठीक है, तो यहां पर अगर हम बात करें तो देखिए कोई भी चीज है, फॉर एग्जाम्पल एक बम को जो है अगर गिराया गया है, ड्रॉप किया गया है, तो वो इस टाइम पे मोशन में है.
मोशन में होगा, गति में होगा, और गति में होने की वजह से उसके अंदर हाफ एम वी स्क्वायर ये काइनेटिक एनर्जी पोजेस करेगा, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी होगी बिल्कुल। अब जब वो नीचे की तरफ आ रहा होगा तो उसकी वेलोसिटी के अंदर क्या हो जाएगा, उसकी वेलोसिटी क्या होगी, उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी, वेलोसिटी बढ़ेगी, क्योंकि वो नीचे की तरफ आएगा तो ऑब्वियस सी बात है उसकी स्पीड इंक्रीज होगी, उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी, ठीक है। अब वेलोसिटी अगर बढ़ रही है तो सीधी सी बात क्या है कि उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, ठीक है। अगर उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी दैट सिंपली मीन इट्स काइनेटिक एनर्जी इज ऑल्सो इंक्रीजेस। सो ऑप्शन ए जो है हमारा यहाँ पर सही उत्तर रहेगा। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। जैसे ही हम क्या करेंगे, एक बॉम्ब को ड्रॉप किया जाता है एक एरोप्लेन से, तो वो बीच रास्ते में ही फट जाता है, ठीक है, तो उसकी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज अ रॉकेट वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ। रॉकेट जो है निम्न में से किसके संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है, किसके कंजर्वेशन के सिद्धांत पर काम करता है। पहला ऑप्शन है द्रव्यमान मास के कंजर्वेशन पर, दैट मीन्स मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। द्रव्यमान को ना तो जनरेट किया जा सकता है, ना ही उत्पन्न किया जा सकता है, और ना ही खत्म किया जा सकता है। दूसरा है लीनियर मोमेंटम, ठीक है, रेखीय संवेग के कंजर्वेशन के सिद्धांत पर, एनर्जी के कंजर्वेशन के सिद्धांत पर कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही खत्म किया जा सकता है, या फिर एंगुलर मोमेंटम के कंजर्वेशन पर, कोणीय संवेग के कंजर्वेशन पर। तो देखिए रॉकेट जो है दैट इज वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, यह रेखीय संवेग के संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है। सो ऑप्शन बी जो है यहाँ पे हमारा राइट आंसर रहेगा। अब ये जो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम है ये है क्या, सपोज आपने दो बॉल ली, दो या दो ऑब्जेक्ट लिए, दैट इज ए एंड दैट इज बी, ठीक है। अब इसके अंदर जो यहाँ इस पे जो इसका जो मोमेंटम होगा लीनियर मोमेंटम, और इसका जो लीनियर मोमेंटम होगा, ठीक है, ये इक्वल होगा सपोज इन दोनों का लीनियर मोमेंटम को पी ए प्लस पी बी, ठीक है। तो ये जो लीनियर मोमेंटम होगा दैट इज पी वन सपोज, ठीक है, अब ये अलग अलग आपने ऐड किया, अब आपने क्या किया इनको कोलाइड कर दिया, कोलिजन हो गया इनका ए और बी। अब इन दोनों का जो लीनियर मोमेंटम होगा सपोज वो होगा ए बी, ठीक है, तो ये दोनों बराबर होंगे, मतलब कि जब तक कोलाइड नहीं हुआ है और जब इनका कोलिजन करवा दिया, ठीक है, तो दोनों का जो लीनियर मोमेंटम होगा वो बराबर होगा, मतलब वो कंजर्व रहेगा। पहले अगर ये दोनों अलग अलग थे तब भी इसका लीनियर मोमेंटम P1 था, सपोज दोनों को आपने ऐड किया, वो किसके बराबर होगा, वो जब ये कोलाइड कर जाएंगे तब जो उनका लीनियर मोमेंटम होगा, रेखीय संवेग होगा, उसके बराबर होंगे। सो दैट इज नोन एज द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। सो रॉकेट जो है वो लीनियर मोमेंटम रेखीय संवेग के कंजर्वेशन पर आधारित है। ऑप्शन बी जो है यहाँ पे हमारा राइट आंसर रहेगा। अगला है द टेम्परेचर ऑफ द सन इज मेजर्ड विद द, सूर्य का तापमान जो है निम्नलिखित में से किसके द्वारा मापा जाता है। पहला है प्लैटिनम थर्मोमीटर से, दूसरा अगर बात करें पायरोमीटर से, तीसरा है गैस थर्मोमीटर से, चौथा है वेपर प्रेशर थर्मोमीटर से, वाष्प दाब थर्मोमीटर से। प्लैटिनम थर्मोमीटर की अगर बात करें तो प्लैटिनम थर्मोमीटर टेम्परेचर मापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, दैट इज बिटवीन द रेंज ऑफ 200 डिग्री सेल्सियस टू 1000 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इस रेंज का जो तापमान है उसे प्लैटिनम टेम्परेचर से मापा जाता है, प्लैटिनम थर्मोमीटर से जो है मापा जाएगा, प्लैटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर इसे बोला जाता है। दूसरा अगर पायरोमीटर की बात करें तो पायरोमीटर इज यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ हाई टेम्परेचर, बहुत ज्यादा उच्च तापमान को मापने के लिए पायरोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। सूरज का जो तापमान है वो बहुत ज्यादा हाई है, सो वी यूज पायरोमीटर, रेडिएशन पायरोमीटर, विकिरण पायरोमीटर जो है, रेडिएशन पायरोमीटर, दैट इज यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ द टेम्परेचर ऑफ सन। सो यहां से अगर हम अपने आंसर की बात करें तो आंसर हमारा रहेगा बी ऑप्शन, पायरोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद अगर हम गैस थर्मोमीटर का इस्तेमाल करें तो गैस थर्मोमीटर जो है तापमान मापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, टेम्परेचर मापेंगे किसका, गैस का, लेकिन इस तापमान को मापा जाएगा बाय मेजरिंग द प्रेशर ऑफ द गैस, ठीक है। हमने क्या किया, इस गैस के प्रेशर को मेजर किया, ठीक है, उसके दाब को मेजर किया, ठीक है, उसके साथ ही हमने क्या किया, इसके मेजरमेंट की वजह से हमने इसके तापमान को मापा, सो दैट इज द गैस थर्मोमीटर, ठीक है। उसके बाद अगर हम वेपर प्रेशर थर्मोमीटर की बात करें तो किसी भी गैस का वेपर प्रेशर जो है, वाष्प दाब जो है, वेपर प्रेशर ऑफ अ थर्मोमीटर ऑफ अ गैस इज मेजर्ड बाय द वेपर प्रेशर थर्मोमीटर, उसे वाष्प दाब थर्मोमीटर की सहायता से मापा जाता है। सो यहां से हमारा आंसर क्या रहेगा, पायरोमीटर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज हाउ मेनी इमेजेस कैन अ मैन सी इफ ही स्टैंड बिटवीन टू प्लेन मिरर इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री।
60 डिग्री के कोण पर झुके हुए समतल दर्पणों के मध्य खड़े हुए उस व्यक्ति को उसके कितने प्रतिबिंब दिखाई देंगे. सपोज दीज आर टू प्लेन मिरर्स, ठीक है. अब आपको क्वेश्चन में ये देगा कि इन दो प्लेन मिरर्स को एक एंगल पर रखा गया है, एक एंगल पर इंक्लाइन किया गया. यहां पर 60 डिग्री गिवन है, कुछ भी दे सकते हैं, 60 की 90 दिया जा सकता है, 45 दिया जा सकता है, किसी भी एंगल पर जो है इन प्लेन मिरर्स को रख सकते हैं वो. तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि इनके बीच में कोई पर्सन खड़ा है, ठीक है, तो उसकी जो है, ठीक है, उसकी कितनी इमेजेस उसे दिखेंगी, कितनी इमेज उसकी बनेंगी. तो यहां से एक फॉर्मूला है वो आपको ध्यान में रखना है. फॉर्मूला रहेगा 360 / θ - 1, ठीक है. यहां से आप नंबर ऑफ इमेजेस निकाल सकते हो कि कितनी नंबर ऑफ इमेजेस बनेंगी. तो यहां पे हमारे पास एंगल कितना गिवन है, एंगल है हमारे पास 60 डिग्री. सो दिस इज 6 - 1, 5 इमेजेस. तो 5 इमेजेस बनेंगी. ऑप्शन सी जो है हमारा यहाँ पर राइट आंसर रहेगा. इसकी जगह अगर आपको 90 डिग्री या 45 डिग्री के एंगल पर रखा जाए तो आप यहाँ थीटा की जगह जो है इन एंगल्स को पुट कर सकते हो. थीटा इज द एंगल, यहाँ पे क्या रहेगा, एंगल रहेगा, कोण रहेगा, जिसपे हमने दो समतल प्लेन मिरर्स को क्या किया है, इंक्लाइंड किया है. सो यहां से अगर हम आंसर देखें तो ऑप्शन सी हमारा जो है राइट आंसर रहेगा. नेक्स्ट इज अ गलवैनोमीटर इज कन्वर्टेड इनटू एन एमीमीटर व्हेन वी कनेक्ट अ, ठीक है, एक गलवैनोमीटर जो है उसको एमीमीटर में बदला जा सकता है जब उसके साथ जोड़ा जाता है, ठीक है. एमीमीटर में इसको परिवर्तित किया जा सकता है. एमीमीटर जो है करंट मापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है. जब हमें कम करंट को मापना हो तो हम एमीमीटर का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर हमें ज्यादा करंट को मापना हो तो हम गलवैनोमीटर का इस्तेमाल करते हैं. तो वो बात कह रहा है कि गलवैनोमीटर है उसे एमीमीटर में बदलना है, तब उसके साथ क्या जोड़ा जाएगा. पहला क्वेश्चन है हमारे पास हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज, श्रृंखला में उच्च प्रतिरोध को जोड़ा जाएगा. हाई रेजिस्टेंस इन पैरेलल, समानांतर में उच्च प्रतिरोध को जोड़ा जाएगा. लो रेजिस्टेंस इन सीरीज, उसको श्रृंखला में कम प्रतिरोध जोड़ा जाएगा. लो रेजिस्टेंस इन पैरेलल, समानांतर में कम प्रतिरोध जोड़ा जाएगा. तो देखिए ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. लो रेजिस्टेंस जोड़ा जाएगा लेकिन वो पैरेलल में जोड़ा जाएगा. सपोज अगर यहां पर गलवैनोमीटर लगा है तो इसके पैरेलल में यहां पर जो है हम रेजिस्टेंस को जोड़ेंगे, ठीक है. सपोज अगर हमने यहां पर जो है गलवैनोमीटर लगाया है किसी सर्किट में, ये बैटरी है, तो यहां से गलवैनोमीटर लगाया है तो गलवैनोमीटर के पैरेलल में जो है यहां पर रेजिस्टेंस को जोड़ा जाएगा. दिस इज द साइन ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है. तो यहां से रेजिस्टेंस को उसके पैरेलल में जोड़ा जाएगा, और लो रेजिस्टेंस होगी, कम प्रतिरोध होगा, उसको पैरेलल में जोड़ा जाएगा इस तरीके से. अगर सीरीज की बात करें तो सीरीज इस तरीके से होगी, ये गलवैनोमीटर है, ये सीरीज होगी, इस तरीके से सीरीज में जोड़ा जाता है, ठीक है. ये सीरीज है और ये सीरीज में जोड़ा है, ये पैरेलल में जोड़ा है, ठीक है. तो लो रेजिस्टेंस इन पैरेलल, समानांतर क्रम में कम प्रतिरोध जोड़ा जाएगा. ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट इज व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ अ मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस ऑफ द ह्यूमन बॉडी, ठीक है. एक मानव शरीर है सूखा, बिजली के प्रतिरोध की मात्रा कितनी होगी. हम सबको पता है कि अगर ड्राई बॉडी है तो वो बिजली के प्रतिरोध कम होगा एज कंपेयर टू द वेट बॉडी. जब गीला शरीर होगा, वेट बॉडी होगी, उसके कंपैरिजन में ड्राई बॉडी की जो प्रतिरोधक क्षमता है, रेजिस्टेंस है बिजली की, बिजली को प्रतिरोध करने की, वो ज्यादा रहेगी. तो यहां पे ड्राई बॉडी में जितनी रहेगी वो रहेगी 10 की पावर, वैसे 6 ओम होगी, 10 की पावर 6 ओम रहती है वो बेसिकली. ऑप्शन में हमारे पास 10 की पावर 5 ओम है, ठीक है, वो 10 की पावर 6 ओम रहेगी. वेट अगर गीली बॉडी की बात करें तो वो 10 की पावर 2 ओम रहती है, ठीक है, 10 की पावर 2 ओम रहेगी. सो यहां से इसका आंसर रहेगा सी ऑप्शन, ठीक है, 10 की पावर 5 ओम, ठीक है. आप ऑप्शन में आपके पास अगर 10 की पावर 6 ओम दिया हो तो 10 की पावर 6 ओम इसका राइट आंसर रहेगा. क्लोजेस्ट आंसर जो है 10 की पावर 5 ओम इसका रहेगा. ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट इज नेम द साइंटिस्ट हु स्टेटेड दैट मैटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी. उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिन्होंने बताया था कि द्रव को ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है. पहला है बॉयल, दूसरा है लेवोजियर, तीसरा है एवोगैड्रो नंबर, और चौथा है हमारे पास आइंस्टीन. देखिए आइंस्टीन वॉज द साइंटिस्ट जिन्होंने बताया था कि मैटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी. द्रव जो है, मैटर जो रहेगा, उसको ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है. E इज इक्वल्स टू MC square, ये इक्वेशन इन्होंने दी थी. यहां से E जो है वो एनर्जी है,
एम जो है मास है, द्रव्यमान है किसी भी पदार्थ का, सी जो है यहाँ पे लाइट की क्या है, वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ लाइट, सी क्या है यहाँ पर, वेलोसिटी ऑफ लाइट, लाइट की वेलोसिटी है। तो आइंस्टीन ने बताया था कि एनर्जी और मास दोनों क्या है, इंटरकन्वर्टेबल है, मास को आप एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हो और एनर्जी को आप मास में कन्वर्ट कर सकते हो, दीज आर इंटरकन्वर्टेबल। सो आइंस्टीन वॉज द साइंटिस्ट, सो इस इक्वेशन के माध्यम से उन्होंने बताया था कि एनर्जी और मास दोनों क्या है, इंटरकन्वर्टेबल है, इज इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर। सो ऑप्शन डी यहाँ पे जो है हमारा राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट इज द कंपाउंड विच हैज कोवलेंट बॉन्ड इज, ठीक है, उस यौगिक का, उस तत्व का नाम बताइए इनमें से जिसमें सहसंयोजी बंध बनता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कोवलेंट बॉन्ड क्या है। यहां से आपको दो बॉन्ड समझने हैं, एक तो है आपका आयनिक बॉन्ड, आयनिक बंध, और दूसरा है कोवलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड एंड कोवलेंट बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड कौन सा होगा, जो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बने, मतलब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने, और जब इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर किया जाएगा, इलेक्ट्रॉन का जब ट्रांसफर किया जाएगा, तो जो सपोज ये ए एटम है और ये बी एलिमेंट है, इसने इस यहां से जो है इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ, इसने इलेक्ट्रॉन जो है इसको दिए, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, जो देगा उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा और जो लेगा इलेक्ट्रॉन उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। तो यहां से क्या हुआ, आयन्स बन गए, और इन आयन्स के फॉर्मेशन की वजह से इनके ए और बी के बीच में जो बॉन्ड बनेगा, दैट इज नोन एज द आयनिक बॉन्ड, उसे आयनिक बंध कहा जाएगा। कोवलेंट बॉन्ड की बात करें तो कोवलेंट बॉन्ड बनता है बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कोवलेंट बंध जो बनेगा वो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनेगा। सपोज इसने भी अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया और इसने भी अपना जो है एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, इस तरीके से जो ए और बी के बीच में बॉन्ड बनेगा बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को शेयर करने से, उसे क्या कहा जाएगा, उसे कहा जाएगा कोवलेंट बॉन्ड, सहसंयोजी बंध। तो इनमें से हमें ये देखना है कि इनमें से जो कोवलेंट बॉन्ड है, मतलब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से कौन सा बॉन्ड बनेगा। CHCl की बात करें तो सीजियम के ऊपर प्लस वन चार्ज आता है और क्लोरीन के ऊपर माइनस वन चार्ज आता है। सीजियम जो है एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को देता है, क्योंकि क्लोरीन को अपनी ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, अपने आठ इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, और इसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है बाहर शेल में, तो ये क्या करता है, ये क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो क्लोरीन के ऊपर एक नेगेटिव आएगा, सीजियम के ऊपर एक पॉजिटिव आएगा, तो यहां पे जो बॉन्ड बनता है वो बनता है आयनिक बॉन्ड, आयनिक बंध बनता है। CaO की बात करें कैल्शियम ऑक्साइड की, कैल्शियम के पास दो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके बाहरी शेल में, और ऑक्सीजन के पास दो की कमी होती है, तो इसलिए कैल्शियम दो ऑक्सीजन को ट्रांसफर कर देगा, इसीलिए जो है CaO का निर्माण होगा कैल्शियम ऑक्साइड का। तो यहां से भी जो बॉन्ड बनता है वो होगा आयनिक बॉन्ड। N2 की बात करी जाए, नाइट्रोजन की अगर बात करी जाए तो नाइट्रोजन जो है हमारे वायुमंडल में, एटमॉस्फेयर में N2 की फॉर्म में प्रेजेंट है, इसके बीच में ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, N ट्रिपल बॉन्ड N। ठीक है, अब नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो है 7। अब दो इलेक्ट्रॉन पहली शेल में आ गए क्योंकि मैक्सिमम दो ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, दूसरी में बचे 5। अब इसे जो है अपनी ऑक्टेट कंप्लीट करने हैं, मतलब अपने 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने हैं, तो इसको जो है 3 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। ठीक है, अब इसे 3 की जरूरत है, दूसरे नाइट्रोजन को भी सेम 3 की जरूरत होगी, तो इन दो एटम ने नाइट्रोजन के 3-3 एटम अपने रखे। ठीक है, इनके पास 5 थे, इसके पास भी 5 थे, बाहर वाली शेल को देखते हैं क्योंकि दो तो बिल्कुल स्टेबल है, दो वाली को नहीं छेड़ा जाएगा, तो इसके पास भी 5 है, इसके पास भी 5 है। यहां से देखिए, इसने अपने 3 शेयरिंग में रखे, इसने अपने 3 शेयरिंग में रखे, शेयर करने के बाद इसके हो गए 8 और इसके भी हो गए 8 क्योंकि शेयरिंग से बना। तो ये जो बॉन्ड बना है, 3 पेयर इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं, तो N ट्रिपल बॉन्ड N, तो यहां से जो है ट्रिपल बॉन्ड बनता है, 3 बंध बनते हैं, और वो कैसे बनते हैं, बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहां से जो वो बॉन्ड बनता है वो है कोवलेंट बॉन्ड। Na2O की बात करें, Na2O की बात करें तो सोडियम ऑक्सीजन, सोडियम ऑक्सीजन को दो की जरूरत होती है
और सोडियम के बाहर एक इलेक्ट्रॉन फालतू है, दूसरे सोडियम के बाहर भी एक इलेक्ट्रॉन फालतू है, तो इसलिए सोडियम के दो एटम लगते हैं क्योंकि ऑक्सीजन को दो इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, ठीक है, तो इसीलिए बनता है Na2O बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, Na पॉजिटिव और O2 नेगेटिव, ठीक है, ये एक इलेक्ट्रॉन ये देगा, एक इलेक्ट्रॉन ये देगा, तब जाके ऑक्सीजन 2 नेगेटिव बनाएगा, तो ये भी कैसे बनता है, आयनिक बॉन्ड से, आयनिक बंध से बनता है, सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट इज द एसिड यूज्ड इन आई वॉशेस, आंख साफ करने के लिए निम्न में से किस अमल का प्रयोग किया जाता है, पहला ऑप्शन है ऑक्सैलिक एसिड का, C2H2O4 दिस इज ऑक्सैलिक एसिड, नाइट्रिक एसिड का HNO3 इज द नाइट्रिक एसिड, बोरिक एसिड H3BO3 दिस इज बोरिक एसिड, फॉर्मिक एसिड इज द HC डबल बॉन्ड OH, ठीक है, HC डबल OH दिस इज फॉर्मिक एसिड. तो देखिए आंख साफ करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, बोरिक एसिड H3BO3, बोरिक एसिड बोरिक अम्ल का इस्तेमाल किया जाता है किसमें, आई वॉश के अंदर. नेक्स्ट इज मोल्टन सोडियम क्लोराइड कंडक्ट इलेक्ट्रोसिटी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, ठीक है, पिघला हुआ जो सोडियम क्लोराइड है, पिघले हुए का मतलब क्या है, वो क्या है, तरल अवस्था में है, मतलब कि वॉटर प्लस NaCl होगा, ठीक है, क्योंकि तरल अवस्था में तभी बनेगा जब हम उसका विलयन बनाएंगे, सोल्यूशन बनाएंगे, ठीक है. अब यहां पे देखिए जब वो पानी के साथ घोला जाता है तो वो आयंस में टूट जाता है, Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव, ठीक है, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में वो टूट जाएगा, इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें कहा जाएगा आयंस. तो फ्री आयंस की उपस्थिति के कारण, मुक्त आयन की उपस्थिति के कारण जो हमारा NaCl है वो क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, बिजली का संवहन होता है, ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा यहां पे राइट आंसर रहेगा, मुक्त आयन. नेक्स्ट इज द परसेंटेज बाय वेट ऑफ हाइड्रोजन इन H2O इज, यहां पे हमें H2O में वजन के हिसाब से हाइड्रोजन की प्रतिशत मात्रा निकालनी है, तो हाइड्रोजन की प्रतिशत मात्रा का परसेंटेज हम निकालेंगे, उसके लिए सबसे पहले हमें पूरे पानी की जो वेट है उसका पता होना चाहिए, तो पानी का जो वेट रहेगा वो रहेगा हाइड्रोजन का होगा एक, दो है तो 2 × 1 प्लस ऑक्सीजन का होगा 16, तो 2 + 16 ये हो गया 18, 18 हो गया पानी का, उसमें हाइड्रोजन का कितना है, हाइड्रोजन का एक है, लेकिन क्योंकि दो हाइड्रोजन है तो हो गया 2, ठीक है. अब आप हमें निकालना क्या है, परसेंटेज, हाइड्रोजन का परसेंटेज निकालेंगे, हाइड्रोजन पानी इंटू 100, सो दिस इज 11.19% समथिंग, तो यहां से देखिए आंसर इज बी ऑप्शन 11.19%, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. पानी का सबसे पहले हमने देखा वेट, वो कितना था, 18 था, उसके बाद हमने इसका हाइड्रोजन का निकालना है, तो हाइड्रोजन का कितना होगा 2, क्योंकि दो हाइड्रोजन है, सो 2/18 × 100 इस तरीके से परसेंटेज निकाल लेंगे, तो परसेंटेज आएगा 11.19%. रिमेनिंग जो बचा है 18 में से 11.19% अगर आप निकाल देंगे, रिमेनिंग जो बचेगा वो किसका बचेगा, ऑक्सीजन का बचेगा. नेक्स्ट इज द गैस यूज्ड इन द एनेस्थेशिया, गैस जो बेहोशी के लिए प्रयोग की जाती है वो है मिथेन है CH4, नाइट्रस ऑक्साइड है N2O, नाइट्रोजन है N2, या फिर हाइड्रोजन पर ऑक्साइड है H2O2. तो यहां से देखिए वो गैस जो बेहोशी के लिए इस्तेमाल की जाती है वो है नाइट्रस ऑक्साइड N2O, ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड बेहोशी के साथ में भी इस्तेमाल की जाती है, और यह है लाफिंग गैस, इसे हास्य गैस भी कहा जाता है, दिस इज लाफिंग गैस भी है N2O, सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट इज द स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म विच कॉज डिसीज इज, रोग के लिए सबसे उत्तरदायी सबसे छोटा जीव कौन सा है, ठीक है, पहला ऑप्शन है बैक्टीरिया, दूसरा है वायरस, तीसरा है माइकोप्लाज्म, ठीक है, और चौथा है सभी के सभी. सो देखिए वायरस जो है, वायरस से भी छोटा जो जीव है, जो ऑर्गेनिज्म है, वो है माइकोप्लाज्म.
माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया का ही एक समूह है, ठीक है, बैक्टीरिया का ही एक समूह होता है, लेकिन सबसे छोटा समूह है, ठीक है, सबसे छोटे हैं, वायरस से भी छोटे होंगे. तो माइकोप्लाज्म इज द राइट आंसर. सी यहाँ पे जो है हमारा सही उत्तर रहेगा. सबसे स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म विच कॉज डिसीज इज द माइकोप्लाज्मा. ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज डॉग बाइट कैन कॉज रेबीज. Which among the following other animal can also cause rabies? ठीक है, कुत्ते के काटने से रेबीज नामक रोग होता है, तो निम्न में से किस अन्य जानवर के काटने के द्वारा जो है रेबीज नामक रोग होगा? ठीक है, तो देखिए सबसे पहला ऑप्शन है डोंकी, दूसरा है बैट चमगादड़, हॉर्स या फिर क्रोकोडाइल. डॉग बाइट से जो है रेबीज होता है, डॉग बाइट के साथ साथ बैट की बाइट से जो चमगादड़ है उनके काटने से भी जो है रेबीज होगा. इसमें हाइड्रोफोबिया हो जाता है, पानी जो है हाइड्रोफोबिया, पानी का फोबिया जो है इस रोग में हो जाता है रेबीज के अंदर. सो डॉग के अलावा जिस जानवर के काटने से होता है वो है बैट चमगादड़. ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट इज वाटर मूवमेंट अगेंस्ट ग्रेविटी इज कॉज्ड बाय. ठीक है, यहां पर बात हो रही है कि गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध में जल की जो गति है उस प्रोसेस को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? सो पहला ऑप्शन देखें तो पहला ऑप्शन रहेगा इम्बिबिशन, अंत शोषण कहा जाता है. ट्रांसपीरेशन इसे प्रस्वेदन कहा जाएगा. ओस्मोसिस इसे परासरण कहा जाएगा. डिफ्यूजन इसे विसरण कहा जाएगा या फिर छित्राव कहा जाएगा. सबसे पहले बात करते हैं इम्बिबिशन की. इम्बिबिशन अंत शोषण का मतलब क्या है? कोई भी ड्राई चीज है, सूखी हुई चीज है, आपने उसको पानी के अंदर रखा तो पानी जो है वो ड्राई चीज क्या हो जाएगी, स्वेल कर जाएगी. ठीक है, सब जैसे आपने ड्राई जो केजिन्स है, किशमिश जो है, ठीक है, उनको रेजिन्स को कहां पर रखा, पानी में रखा. ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, वो फूल जाते हैं, स्वेलिंग हो जाती है, तो उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, इम्बिबिशन. या फिर सपोज आपने कोई ड्राई सूखी लकड़ी है, वुड है, उसे पानी में रखा तो ये लकड़ी भी क्या हो जाएगी, फूल जाएगी, स्वेल कर जाएगी, पानी का मूवमेंट होगा, उसे क्या कहेगा, इम्बिबिशन कहा जाएगा. ट्रांसपीरेशन की मैं बात करूं तो ट्रांसपीरेशन क्या है, हम जो है पौधों को पानी जड़ में देते हैं, उनकी जड़ों में देंगे, रूट में देंगे, तो यहां से जब पानी ऊपर की तरफ जाएगा, पेड़ के दूसरे हिस्सों तक जाएगा, पत्तियों तक या दूसरे हिस्सों तक जाएगा, तो ये इस प्रोसेस को क्या कहा जाएगा, ट्रांसपीरेशन कहा जाएगा. ट्रांसपीरेशन, इस प्रोसेस को ट्रांसपीरेशन कहा जाएगा. अब देखिए ग्रेविटी जो लग रही है, गुरुत्वाकर्षण बल लगता है नीचे की तरफ लगता है, लेकिन यहां पे जो पानी का मूवमेंट है वो ऊपर की तरफ हो रहा है, तो उस प्रोसेस को ट्रांसपीरेशन कहा जाएगा. क्वेश्चन भी आपका यही है कि गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध जल की गति निम्न में से किसके कारण होती है, तो ट्रांसपीरेशन प्रोसेस के कारण होती है. ऑप्शन बी जो है यहां पे सही उत्तर रहेगा. ओस्मोसिस की यहां पर बात करी जाए, ओस्मोसिस में क्या होगा, मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन. हाई कंसंट्रेशन, लो कंसंट्रेशन कम सांद्रता से उच्च सांद्रता की तरफ, जब अधिक सांद्रता की तरफ जब पानी का मूवमेंट होगा तो उसे क्या कहा जाएगा, परासरण कहा जाएगा. क्या कहेंगे उसे हम, ओस्मोसिस. तो ये ओस्मोसिस इसी फिनोमिना पर बेस्ड है, दैट द मूवमेंट ऑफ वाटर शुड बी फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन. पानी का जो मूवमेंट है, पानी की जो गति होगी वो कम सांद्रता से उच्च सांद्रता की तरफ होनी चाहिए. डिफ्यूजन की बात करें तो डिफ्यूजन का मतलब क्या है, मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन, उच्च सांद्रता से हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन. ठीक है, और ये तब तक होगा जब तक कंसंट्रेशन जो है बराबर ना हो जाए, जब तक इनकी अमाउंट बराबर नहीं हो जाएगी तब तक जो है डिफ्यूजन होता रहेगा, विसरण होता रहेगा. तो हम अपने आंसर की बात करें तो ट्रांसपीरेशन प्रस्वेदन जो है यहां पर हमारा राइट आंसर रहेगा. नेक्स्ट इज मैमल हु हैव कैपेसिटी टू डिस्टिंग्विश द कलर. स्तनपाई जिसमें रंगों में भेद करने की क्षमता होती है उसे क्या कहा जाता है? मैन एंड डॉग, मनुष्य तथा कुत्ता, मैन डॉग एंड मंकी, मनुष्य कुत्ता तथा बंदर, ऑल मैमल्स, जितने भी मैमल्स हैं वो सब, मैन एंड मंकी, मनुष्य तथा बंदर. सो देखिए ऑल मैमल्स इसका राइट आंसर रहेगा. वो मैमल्स जिसमें कैपेसिटी है डिस्टिंग्विश द कलर, जो कलर को डिस्टिंग्विश कर सके, मतलब कलर को पहचान सके, ठीक है, तो वो होंगे सारे मैमल्स. तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट इज ब्लड प्रेशर इज द प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द वॉल ऑफ. रक्त दबाव, ब्लड प्रेशर जो होगा वह दबाव है जो डैश की वॉल पर लगता है, दीवारों पर लगता है. पहला ऑप्शन है हर्ट की दीवारों पर, दूसरा है वेन की, नसों की दीवारों पर, आर्टरी धमनी की दीवारों पर, सेल कोशिकाओं की दीवारों पर. सो देखिए हमारे
हार्ट जो है बेसिकली उसमें दो चीजें फंक्शन करती हैं बेसिक अगर हम बात करें, सो दैट इज वेन एंड आर्टरी, ठीक है, शिराएं और धमनियां दो चीजें काम करती हैं, वेन शिराएं, ठीक है, आर्टरी धमनियां। तो आर्टरी क्या करती है, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब क्या है, जो प्योर आपका ब्लड होगा, शुद्ध ब्लड होगा जिसमें ऑक्सीजन उपस्थित होगी, ठीक है, तो उसको कैरी करती है, उसको शरीर के दूसरे भागों तक लेकर जाती है। नसें जो हमारी शिराएं हैं वो क्या काम करती हैं, वो हमारा जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब क्या है, जिसमें ऑक्सीजन की कमी है, उसे जो है शरीर के बाकी हिस्सों से इकट्ठा करके आपके हार्ट तक पहुंचाती है, ठीक है। तो ये तो बेसिक काम है इन दोनों के, वेन्स और आर्टरी के। तो यहां से जो ब्लड प्रेशर लगता है वो किसकी दीवारों पर लगता है, वो आर्टरी धमनियों की दीवारों पर लगता है, ठीक है। ब्लड प्रेशर इज द प्रेशर एग्जर्टेड ऑन द वॉल ऑफ आर्टरी, धमनियों की दीवारों पर लगने वाला दबाव है। ऑप्शन सी जो है हमारा यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट इज वाइटमिन के इज रिक्वायर्ड फॉर, वाइटमिन के की आवश्यकता निम्नलिखित में से किसके लिए पड़ती है, पहला है ब्लड क्लॉटिंग, खून का थक्का बनने के लिए, जो ब्लड क्लॉटिंग होती है उसके लिए, रेस्पिरेशन श्वसन के लिए हमें वाइटमिन के की जरूरत है, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, कार्बोहाइड्रेट उपापचय, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या है कि हमने कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम किया, दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज, ग्लूकोज में कन्वर्ट हुआ, और ग्लूकोज में कन्वर्ट होने के बाद हमारे शरीर ने इस्तेमाल किया बचा हुआ ग्लूकाजोन, ग्लूकाजन के रूप में हमारे लीवर में स्टोर हो गया, ठीक है। हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट ग्लूकाजन की फॉर्म में स्टोर होता है, लीवर के अंदर स्टोर होता है, याद रखिएगा। कैल्शियम फास्फोरस, कैल्शियम फास्फोरस के लिए जो है वाइटमिन के की जरूरत है। तो देखिए वाइटमिन के जो है वो हमारे शरीर में खून का थक्का बनने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वाइटमिन के इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, ब्लड की क्लॉटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। विटामिन के की कमी से हीमोफीलिया हो जाता है, हीमोफीलिया का मतलब क्या है, रक्त का थक्का ना जमना। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज मैच द फॉलोइंग, मैच करना है, एक तरफ हमें डिसीज है दूसरी तरफ उनके रीजन है, पहला है मलेरिया, दूसरा है पोलियो, ट्यूबरक्लोसिस, रिंग वॉर्म, फंगी, बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ। मलेरिया जो है वो प्रोटोजोआ की वजह से होता है, मलेरिया इज कॉज्ड बाय अ प्रोटोजोआ, ठीक है, जिसे क्या कहा जाता है, प्लाज्मोडियम पैरासाइट, फीमेल एनोफिलीज मच्छर के काटने से मलेरिया होता है, प्रोटोजोआ है। पोलियो की बात करें तो पोलियो जो है वायरस की वजह से होता है, पोलियो वायरस, ठीक है, पोलियो जो है वायरस की वजह से होगा, बी ऑप्शन का थर्ड है। ट्यूबरक्लोसिस की बात करें तो ट्यूबरक्लोसिस इज कॉज्ड बाय अ बैक्टीरिया, ट्यूबरक्लोसिस किसकी वजह से होता है, बैक्टीरिया की वजह से होता है, ठीक है। रिंग वॉर्म की बात करें तो रिंग वॉर्म फंगस की वजह से होगा, ठीक है, सी का है ऑप्शन टू और फोर का है फर्स्ट, ठीक है, रिंग वॉर्म किसकी वजह से होता है, फंगस की वजह से होता है। तो यहां से देखिए ए का फोर्थ, बी का थर्ड, सी का टू एंड फोर्थ का वन, सो यहां से हमारा आंसर रहेगा ए ऑप्शन, ए ए का फोर्थ, बी का थर्ड, सी का टू और डी का फर्स्ट। सो यहां से ए इज द राइट आंसर। मलेरिया इज कॉज्ड बाय अ प्रोटोजोआ, पोलियो इज कॉज्ड बाय अ वायरस, ट्यूबरक्लोसिस इज कॉज्ड बाय अ बैक्टीरिया, रिंग वॉर्म इज कॉज्ड बाय फंगी, ठीक है। तो यहां से ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज बाइल इज स्टोर्ड इन, पित्त कहां संग्रहित किया जाता है, जो बाइल जूस है उसे कहां पर स्टोर किया जाता है। देखिए अगर बाइल जूस की बात करें तो बाइल जूस काफी सारे फंक्शन परफॉर्म करता है, सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है इसका डाइजेशन, ठीक है, हमारे शरीर में डाइजेशन प्रोसेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बाइल जूस, दैट इज सिक्रेटेड बाई दी, फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं कि इसको इसका स्त्रावण कहां से होता है, सिक्रेट कौन करता है, इसे लीवर, याद रखिएगा, इसे लीवर जो है सिक्रेट करता है, लीवर का, लीवर से जो है ये प्रोड्यूस होता है, स्त्रावण होता है इसका। स्टोरेज इसकी होती है गॉल ब्लैडर के अंदर, पिताशय के अंदर जो है इसको स्टोर किया जाता है, गॉल ब्लैडर पिताशय के अंदर इसको स्टोर किया जाएगा, लीवर के अंदर इसका जो है प्रोडक्शन होगा, सिक्रेट किया जाएगा। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, क्योंकि यहां पे हमें क्वेश्चन में स्टोरेज पूछा गया कि बाइल जो है वो स्टोर कहां पर होगा, संग्रहित कहां पर होगा, सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज वॉटर पॉल्यूशन ऑफ अ रिवर इज मेजर्ड बाय, जल प्रदूषण किसके द्वारा मापा जाता है, वॉटर पॉल्यूशन की यहां पर बात हो रही है, पानी का जो प्रदूषण है वो कैसे मापेंगे, पहला है अमाउंट ऑफ क्लोरीन डिजॉल्व्ड इन वाटर, पानी के अंदर जो क्लोरीन घुली हुई है उससे मापा जाएगा, अमाउंट ऑफ ओजोन डिजॉल्व इन वाटर, ओजोन इज O3, ओजोन घुली हुई है पानी में उससे मापा जाएगा, अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन डिजॉल्व इन ऑक्सीजन वाटर, नाइट्रोजन जो है पानी में घुली हुई है उससे मापा जाएगा, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर इज द राइट आंसर।
ठीक है, डी हमारा जो यहाँ पे सही उत्तर रहेगा, वाटर पोल्यूशन कैन बी मेजर्ड बाय मेजरिंग द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन डिजोल्व इन वाटर, कि कितना अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन पानी में घुला हुआ है। अगर ये ऑक्सीजन में कमी आए, अगर ये पानी में घुली हुई ऑक्सीजन में कमी आए, इसका मतलब प्रदूषण बढ़ रहा है पानी का, और अगर ये जो है ठीक हो तो इसका मतलब प्रदूषण नहीं है, वाटर पोल्यूटेड नहीं है। सो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन डिजोल्व इन वाटर उसे कहा जाता है बायोलॉजिकली डिजोल्व ऑक्सीजन, ठीक है, उसे क्या कहा जाता है बायोलॉजिकली डिजोल्व ऑक्सीजन, और ये ऑक्सीजन बायोलॉजिकली डिजोल्व ऑक्सीजन, ठीक है, ये जो ऑक्सीजन है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनिज्म, मैरीन जो ऑर्गेनिज्म है समुद्री जीव जंतु उनके लिए ये ऑक्सीजन रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, वो इसी ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं, दैट इज बायोलॉजिकली डिजोल्व ऑक्सीजन। सो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन डिजोल्व इन वॉटर, इसी से जो है पता लगेगा कि पानी पोल्यूटेड है कि नहीं है। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज हैवी मेटल पॉल्यूशन ऑफ वाटर इज कॉज्ड बाय, जल में जो भारी धातु द्वारा प्रदूषण हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है? पहला डोमेस्टिक सीवेज जो घरेलू कचरा है उसकी वजह से, वुड बर्निंग जो लकड़ी है उसके जलाने की वजह से, एसिड प्लांट जो हम एसिड्स प्लांट लगा रहे हैं अम्लीय संयंत्र उनकी वजह से, या फिर इंडस्ट्रीज उद्योगों की वजह से। तो बिल्कुल क्लियर है उद्योग इंडस्ट्रीज जो है हमारी वो सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है, उनसे मेटल्स निकलती हैं एंड दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द पॉल्यूशन ऑफ वॉटर। दो मेन जो हमारी मेटल है जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है वो है लेड एंड कैडमियम, लेड एंड कैडमियम, समहाउ आर्सेनिक भी जो है इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। आर्सेनिक भी जो है पानी के अंदर मिलके उसको कंटामिनेट करता है, उसको पल्यूट करता है। सो इंडस्ट्रीज से निकलने वाला एफ्यूलेंट और मेटल्स धातुएं जो है वो वाटर पोल्यूशन का सबसे बड़ा रीजन है। नेक्स्ट इज द करेक्ट वैल्यू ऑफ 0 डिग्री सेल्सियस ऑन द केल्विन स्केल इज, अब हमें यहां पर 0 डिग्री सेल्सियस की वैल्यू बतानी है किस पर, केल्विन स्केल पर, कि 0 डिग्री सेल्सियस केल्विन में कितने के बराबर होगा। तो देखिए 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल्स टू दी 273.15 केल्विन, ठीक है, एग्जैक्टली इस टेम्परेचर के बराबर होगा, लेकिन कहीं जगह आपको 273 केल्विन भी देखा जाएगा, लेकिन एग्जैक्टली कितना होगा 273.15 केल्विन। ऑप्शन ए है 273 केल्विन, दूसरा है 27.315 केल्विन, 275.15 केल्विन, 270 केल्विन। सो देखिए ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, 273 केल्विन, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट अमंग द फॉलोइंग इज, निम्नलिखित में से ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक कौन सा है, एल्कोहल है, मर्करी है, इथर है, या फिर वाटर है, उष्मा का सबसे अच्छा सुचालक, बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। तो यहां से देखिए ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, मरकरी। इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हम बात कर रहे हैं तो ऑप्शन बी हमारा जो है यहाँ पे सही उत्तर रहेगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, पारा। द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट अमंग द फॉलोइंग इज मरकरी, पारा। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर प्रोड्यूस्ड बाय, विद्युत चुंबकीय धारा उत्पन्न होती है। पहला ऑप्शन है एक्सिलरेटिंग चार्ज, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है वो किसके द्वारा जनरेट की जाती हैं, पहला है एक्सिलरेटिंग चार्ज, एक चार्ज जो है, ठीक है, सपोज कोई चार्ज है, जब आप इसको एक्सिलरेट कर देंगे, एक्सिलरेशन इसको देंगे, त्वरण जो है उत्पन्न होगा उसकी वजह से, एक स्थिर चार्ज की वजह से, स्टैटिक चार्ज की वजह से, चार्जलेस पार्टिकल एक आवेशहीन कण की वजह से जो बिल्कुल चार्जलेस है, कोई चार्ज नहीं है, अब मूविंग चार्ज, एक चार्ज जो है वो गतिशील है, ठीक है, मूव कर रहा है सिर्फ उसकी वजह से। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है, आर जनरेट बाय एन एक्सिलरेटिंग चार्ज, जब एक चार्ज को एक्सिलरेशन प्रोवाइड किया जाता है, त्वरित आवेश होता है, तो उसके द्वारा जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस होती है। तो ऑप्शन ए जो है हमारा यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ अ चार्ज कंडक्टर इज, एक चार्ज कंडक्टर है, कंडक्टर जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है, एक कोई कंडक्टर है, चार्ज है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रही है इसके अंदर, ठीक है, तो अब वहां पर बात हो रही है कि उसकी जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो सेंटर पर कितना होगा, ठीक है, एट द सेंटर इज, सेंटर पर जो है इलेक्ट्रिक चार्ज जो है उसका कितना होगा। सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मैं बात करूं, अगर यहां पर विद्युत क्षेत्र की बात करी जाए, इस चार्ज के विद्युत क्षेत्र की बात करी जाए, तो मेटल के अंदर ये जो कंडक्टर है, ये मेटल होगा, कोई धातु होगी, मेटल के अंदर जो यहां पर E की वैल्यू रहेगी वो जीरो रहेगी, याद रखिएगा, इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, कंडक्टर के अंदर जो विद्युत क्षेत्र होगा वो जीरो रहेगी,
लेकिन इसका जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है ठीक है वो हर जगह क्या रहेगा, सरफेस पर बराबर रहेगा, इस सेम एवरीवेयर ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हर जगह बराबर रहेगा ठीक है, हर जगह क्या रहेगा बराबर रहेगा। सो देखिए जीरो रहेगा, ट्वाइस दैट ऑफ द सरफेस, सरफेस का दुगना रहेगा, सेम एट ऑन द सरफेस, सरफेस के बराबर रहेगा, सतह के बराबर रहेगा, ऑप्शन सी यहां पर राइट आंसर रहेगा ठीक है, सेम एज ऑन द सरफेस, सतह के बराबर रहेगा। नेक्स्ट इज कैथोड रेज आर, कैथोड किरणें क्या होती हैं? पहला है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, विद्युत चुंबकीय धाराएं हैं, स्ट्रीम ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, अल्फा कणों की धाराएं हैं, स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की धाराएं हैं, या फिर रेडिएशन विकिरण है। कैथोड रेज क्या है? कैथोड रेज इलेक्ट्रॉन की स्ट्रीम्स है ठीक है, इलेक्ट्रॉन की धाराएं हैं। कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट किया गया था जिसको हम कैथोड ट्यूब एक्सपेरिमेंट भी कहा जाता है ठीक है, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, इसमें जो है इन रेज की, इन किरणों की डिस्कवरी की गई थी ठीक है, इन किरणों की डिस्कवरी की गई थी, और इन किरणों की डिस्कवरी से इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई थी। इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन इज डिस्कवर्ड बाय जे जे थॉम्सन, जे जे थॉम्सन ने जो है इसको परफॉर्म किया था, उन्होंने जो है कैथोड रे को डिस्कवर किया, कैथोड ट्यूब एक्सपेरिमेंट किया ठीक है, उन्होंने कैथोड रे को डिस्कवर किया, और कैथोड रे से उन्होंने इलेक्ट्रॉन का पता लगाया कि इलेक्ट्रॉन है ठीक है, ये जो कैथोड रे हैं ये इलेक्ट्रॉन की बीम है, इलेक्ट्रॉन्स की स्ट्रीम है, धारा है, डिस्कवर्ड बाय जे जे थॉम्सन। सो यहां से आंसर क्या रहेगा हमारा, सी ऑप्शन, स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की धाराएं, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 30 एमसीक्यूज कंप्लीट हो गए हैं 34 सेट सेट के एग्जाम शूटर के, कल जो है हम 35th एग्जाम शूटर के साथ मिलेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।